राहुल पुरी जो हैं ये डिस्टिंग्विश्ड के एकेडमिक हेड हैं, मुक्ता आर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. हम दोनों साहिल वैद शशांक कहता, हम दोनों डिस्टिंग्विश्ड के एलुमनाइज हैं. जब इन्होंने हमें फ़ोन किया, द आइडिया ऑफ द डिस्कशन टुडे वॉज कि हम सब इस इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं हैं. हम बाहर के शहरों से आए हैं, मुंबई से, मुंबई के बाहर से आए हैं, और कैसे हमने कोशिश करके एक अपनी पहचान बनाने की कोशिश की है, इस इंडस्ट्री में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की है. तो आई थिंक उस पर ये डिस्कशन था. बहुत सारे मिथ्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हैं, आपको ये करना पड़ेगा इंडस्ट्री में ब्रेक इन करने के लिए. तो आई थिंक उन्हीं कुछ टॉपिक्स पे हम चर्चा कर रहे थे और अपनी पर्सपेक्टिव दे रहे थे. हम सबकी जर्नीज़ अलग रही हैं और हम अपनी अपनी जर्नीज़ के थ्रू जितना भी हो सके एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहे थे. मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आज मुझे भी बहुत सारे नए पर्सपेक्टिव्स मिले. सबकी जर्नीज़ अलग होती हैं, हमारी भी जर्नी सबकी अलग रही हैं, और वहाँ जितने लोग बैठे हुए थे उनको एक इनसाइट देने की कोशिश कर रहे थे कि सीखने से लेकर एप्लीकेशन तक कौन सी चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कौन सी चीज़ें हैं जो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, या आप जो एक प्री कंसीव्ड नोशन लेकर आते हो कि हम जाएंगे और दुनिया बदल देंगे और ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, क्या ऐसा सोचना सही है या गलत है. तो डिस्कशन में हमने यही सब कवर किया. मुझे नहीं लगता ऐसा कोई फ़र्क है. आई थिंक जैसे जैसे टाइम इवॉल्व होता है, टेक्निक्स इवॉल्व होती हैं, स्टोरी टेलिंग इवॉल्व होती है, ज़माना बदल रहा है, लोगों के अटेंशन स्पैन्स चेंज हो रहे हैं. एक ज़माने में 3 घंटे की फिल्म भी लंबी नहीं लगती थी, आज 2 घंटे की फिल्म में भी लोग कंप्लेन करने लगते हैं कि यार बहुत लंबी पिक्चर है. तो आई थिंक ये सब छोटी बहुत चेंजेस हैं. आई डोंट थिंक सो बेसिक ऑफ स्टोरी टेलिंग कभी चेंज हो सकती है, बिकॉज स्टोरी टेलिंग का एक ही एजेंडा होता है कि आप कैसे किसी को एक फिक्शनल एनवायरनमेंट में ग्रिप करके रख सकें. तो आई थिंक उसके तरीके बदलते रहते हैं. आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिसने एक नया डायमेंशन क्रिएट कर दिया है. पर आज नेटफ्लिक्स, अमेजोन और ये जो प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं उन्होंने एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है. आज हम सबको पता चलने लगा है कि जो हमारी वो कॉन्सेप्ट फिल्में होने वाली थी वो किस दिशा में जा सकती है, उसको क्या डायरेक्शन मिल सकता है. इंडियन शोज इतना सक्सेसफुल हो रहा है इन मीडियम्स पे, तो एक नया फैसेट खुल गया है. आज मैं खुद हमारी कंपनी की तरफ से राइटर्स हायर किए हैं जो डिजिटल स्पेस पे कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज वी ऑल वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. तो ज़माना बदल रहा है, उसके साथ साथ फिल्म टेक्निक्स बदलने वाली हैं, उसके साथ साथ लोगों का नज़रिया बदलने वाला है. पर जो मुझे लगता है एक बेसिक ऑफ स्टोरी टेलिंग होता है कि यू हैव टू एनथ्रॉल एन ऑडियंस, आपको उन्हें खुशी देनी है ताकि वो सिनेमा घर से बाहर निकलें, आई थिंक वो एक्सपीरियंस कभी नहीं बदलता.